सो वेलकम बैक गाइज, एक और कमाल के ब्लॉग में आप सभी लोग के साथ हाजिर हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ ऋषिकेश। मैंने बहुत पहले से आप लोगों को ब्लॉग में बता रखा था अपने कि मैं ऋषिकेश घूमने जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो हमारा प्लान ऐसा बना है कि हम आज जाएंगे, 30 तारीख है, आज 30 जून है, तो वहां हम लोग 7 दिन तक रहेंगे। एंड 7 दिन तक का मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऋषिकेश के पूरे एनवायरमेंट का मजा, और साथ ही साथ पूरा ऋषिकेश साथ में घूमेंगे, आपको भी मजा आने वाला है। एंड मैं आपको एक और भी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट रीसेंट में रील वगैरह देखी है, तो ऋषिकेश में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, गंगा नदी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से यहां पर मैं ये सोच रहा हूं कि हो सकता है वहां पर हमारी राफ्टिंग क्लोज हो चुकी होगी, तो देखेंगे अगर वहां राफ्टिंग हो रही होगी तो हम लोग करेंगे जरूर। मैंने गोप्रो भी रख लिया है, अपना एक केस भी ले लिया है, तो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। एंड मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि ऋषिकेश में आप घूमने जाओगे तो आपको कहां कहां घूमने जाना चाहिए, आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हो, और ऋषिकेश में आप कैसे मतलब क्या क्या कर सकते हो, और उसके साथ में कितना आपका बजट प्लान होना चाहिए, कितना आपके पैसे लगेंगे, वो सारी जानकारी मैं एक सेपरेट वीडियो में दूंगा। फिलहाल ये सीरीज यहां से चालू हो रही है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई ऋषिकेश के लिए मैंने पूरी बंदोबस्त कर रखा है, अगर पानी बरसेगा तो ये सारा देख सकते हो, इतना बड़ा मैंने पॉलीथीन रखी है जिसमें मैं सारे अपने डिवाइसेस है वो रख सकता हूँ, और उसके साथ मैंने यहाँ पर देख सकते हो एक केस लिया है गोप्रो का, जो कि 800 रुपये का पड़ा मेरे को, मैंने अमेजोन से मंगाया था इसको। तो ये मेरे राफ्टिंग के दौरान पे मैंने लिया था कि अगर वहाँ राफ्टिंग होगी, राफ्टिंग करेंगे तो वहाँ पर काम आ जाएगा, जिससे मेरे गोप्रो के अंदर पानी नहीं जाएगा। एंड वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही, तो इसलिए ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी सारी पैकिंग हो चुकी है, और अभी वॉलेट वगैरह रखना है बस, और यहाँ पर ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी चीज़ें और रखनी है, फिर हम लोग यहाँ से, आज रात की ट्रेन है मेरी 11:10 की, और मेरा दोस्त मेरे साथ चल रहा है एक, तो चलेंगे ऋषिकेश, तुम्हें घुमाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, और बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करना है इस ब्लॉग को। वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सो देखेंगे ऑन द स्पॉट जो जो चीज़ें होंगी वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सो अपना ड्रोन भी चार्ज हो चुका है, तो हालांकि ड्रोन वैसा ड्रोन नहीं है, कोई प्रोफेशनल ड्रोन नहीं है, ये एक टॉय ड्रोन है, जो कि मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका कैमरा बहुत घटिया है, बट मैं इसको उड़ाऊँगा वहाँ पर मज़े के लिए, ठीक है। तो ये इस ड्रोन को चार्ज कर लिया है, बाकी अब इसको पैक करके रख देते हैं अंदर। तो चलो गाइस, अभी इस समय बज रहा है 9:30, तो हमारी जो ट्रेन है वो 11:10 की है, तो अभी यहाँ पर टीका वीका लगवाते हैं, बाद फिर निकलते हैं, मेरा दोस्त आ चुका है, वही मुझे छोड़ेगा आज स्टेशन, तो यहाँ से स्टेशन से होते हुए सीधे निकलते हैं अपनी ट्रेन पर और सफ़र जारी करते हैं, लेट्स गो। तो देख सकते हो मम्मी अभी टीका की प्लेट लेके आई हैं, तो फटाफट से टीका लगाते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी अपन स्टेशन आ चुके हैं, कानपुर स्टेशन, और पारस अभी मेरे साथ आया हुआ, मुझे छोड़ने इसीलिए छोड़ा था। सो अभी बस यहाँ से निकलते हैं, अपनी ट्रेन का टाइम 11:10 का है, सो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हो पीछे जो है मेरे कानपुर स्टेशन है, यहाँ से सीधे ट्रेन पकड़ेंगे, सीधे अपना जर्नी ऋषिकेश के लिए स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मारना, इस ब्लॉग को सपोर्ट जरूर करना। सो फाइनली गाइज गुड मॉर्निंग, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं हरिद्वार, यहाँ से एक स्टेशन दूर है, और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा एसी चल रहा है ना, थर्ड एसी है, ये दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये देखो सुबह ये एसी नहीं, यहाँ से भाई ऐसी तैसी कर रखी है, मतलब इतनी ठंडी हो रही है पूछो नहीं। गाइस अभी इस समय मैं हूँ हरिद्वार के स्टेशन पे, तो पीछे मेरे देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ है बहुत सारे, ये आयुष भाई है अपना, और हम दोनों ट्रिप पे आए हैं हरिद्वार के लिए। सो अभी हम लोग ने प्लान बना रखा है ऋषिकेश जाने का, तो कुछ खाएंगे पिएंगे, फ्रेश होंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, उसके बाद आराम से एक घंटे के लिए। बाकी आप देख सकते हो, चेकआउट करो ये पहाड़, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है बरसों हो गए या काफ़ी दिन हो गए कि मैंने अभी तक का पहाड़, मेरा बहुत मन कर रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, बट फाइनली आ गए। हरिद्वार का स्टेशन, सो मेरे साथ पीछे देख सकते हो महादेव की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है पीछे, अच्छा है, काफी अच्छा स्टेशन है। पर कुछ खाना ना खाने के लिए, तो यहाँ पर मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हड़की पौड़ी का जो यहाँ पर रेट है
टैक्सी वाले 1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, आप चाहे जितना बार्गेनिंग करा सकते हो करा लो। और अगर आपको यहाँ से ऋषिकेश जाना है तो एक बड़े टेम्पो का चार्ज वो 700 से 1500 रुपये लेते हैं, बट आप जितना बार्गेन करा सकते हो उतना आपके लिए सही रहेगा। 450 में 300 में बार्गेन करा लो आराम से, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। फाइनली इस समय मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी घाट पे, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एक बजट फ्रेंडली होटल ढूंढने के लिए। मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो पूरी दूंगा, एंड होटल के यहाँ पर क्या प्राइजेस है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे, लेट्स गो। और अब जिस व्लॉग में आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। भाई बाहर से जितना भी अच्छा ये होटल लग रहा है ना, उतना ही बेकार इसके रूम है। और प्राइस बाप रे 1800 रुपए। और दिखाता हूँ मैं रूम यहाँ पर कैसा है। गाइज ये कहीं से 1800 के हिसाब से ये रूम लग ही नहीं रहा है, देख लो कंडीशंस रूम की। सो गाइज ये रहा अपना रूम, ये रूम हम लोग ने लिया है, और ये रूम मुझे पड़ा है यहाँ पर 1200 रुपए का। बहुत बार्गेनिंग कराने के बाद ये रूम 1200 का पड़ा है। इसमें क्या क्या मिल रहा है वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। ऋषिकेश के अंदर ये आपको लक्ष्मी झूला के 6 किलोमीटर पहले ही मिल जाएगा। और इस रूम में आप देख सकते हो क्या क्या है। ये रूम में हमारी एक सुंदर सी पेंटिंग है, और एक रूम में हमारा एसी हो गया, ये हमारा हो गया डबल बेड, और ये हमारे यहाँ से हमें एक छोटी सी बालकनी मिल रही है बाहर की तरफ, पर यहाँ से नज़ारा इतना खास नहीं है, नॉर्मल घरों का नज़ारा है। और ये हमारा एक मिरर हो गया। तो बेसिकली ऑल ओवर रूम इज गुड, पर यहाँ पर आप लोग आना तो ध्यान में ये चीज़ रखना, जिस तरीके से लोग यहाँ प्राइस बताते हैं उस तरीके से रूम होता नहीं है। मैं आगे बाथरूम चेक कराता हूँ। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लास डोर है, बकायदा ग्लास डोर है, उसके साथ बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो ऊपर तक का गीजर भी लगा हुआ है यहाँ पर, और बाथरूम काफ़ी बड़ा है और अच्छा है, देख सकते हो। सो 1200 रुपये में ये रूम एक इनफ है, जिसमें वाईफाई भी है, जिसमें एसी भी है, जिसमें टीवी भी है, और बकायदा सब चलता है। फटाफट से लाइक करो, और आज हम लोग मतलब पूरे दिन सोएंगे यार, वैसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उसके बाद शाम को डिसाइड करते कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल गाइज आज का कोई प्लान इतना खास हमारा है नहीं, क्योंकि आज पूरे दिन हम लोग थके हुए थे, पूरे दिन सो नहीं पाए, तो उस कारण से आज हम लोग पूरे दिन तो सोए साथ में। अभी ये है कि अभी मैंने प्लान बनाया कि बाहर जाएंगे, खाना आना खाएंगे, उसके बाद यहाँ के सो ही जाएंगे। कल हमारा प्लान है, हम अपना डे वन स्टार्ट करेंगे कल से, जो ऋषिकेश के अंदर होने वाला है, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। देन उसके बाद एक दो दिन के अंदर और भी प्लान्स करेंगे, आपको रेट और सारी चीज़ें बता देंगे, साथ में हो सकता मसूरी भी जाएं, ये बात बहुत सारी बातें मतलब अभी प्लान बना रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे इसको देखेंगे, जैसा सही लगेगा वैसा करेंगे। बट आज का कोई खास प्लान है नहीं, तो इस ब्लॉग को या तो मैं पार्ट टू में बनाऊँगा, या तो इसी ब्लॉग के आगे डे वन का स्टार्टिंग हो जाएगा, जैसा भी हो जाएगा। पर आप लोग सपोर्ट और प्यार बसाए रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल ऑप्शन दबा लो, और वीडियो को लाइक कर दो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ चालू हो चुका हमारा डे वन। सो कल से हमारा डे वन नहीं था, आज से हमारा डे वन है, तो आज हम राफ्टिंग कवर करेंगे साथ में। अभी हम पहले जा रहे चाय पीने, सुबह सुबह चाय का आनंद उठा ली, क्योंकि भाई चाय मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है सुबह सुबह। फिलहाल चलते हैं, मौसम तो अच्छा हो रहा है बाहर का, निकलते हैं, अब आपको दिखाते बाहर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आयुष, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए सुबह सुबह। तो सुबह सुबह का मौसम यहाँ पर बढ़िया है, बस उमस ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं यहाँ पर कोई दुकान देखते हैं अच्छी सी। तो भाई लोग, अभी हमारे साथ बहुत बुरी चीज़ हुई ये कि हम लोग ने पूछा कि राफ्टिंग चल रही है कि नहीं, तो राफ्टिंग इस समय क्लोज है बिल्कुल। सो इस वजह से हम लोग राफ्टिंग नहीं करके अब हम सोच रहे देहरादून में जाके पैराग्लाइडिंग करेंगे, जहाँ पर प्राइस मैं आपको बताऊँगा 3600 रुपये के आसपास है। 3600 रुपये में पर पर्सन आप बार्गेनिंग करा लो अपने हिसाब से, तो जैसा बनेगा। तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे, पहले कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर यहाँ तो आज का ऋषिकेश का हमारा पूरा प्लान है कि आज ऋषिकेश में ही बिताएंगे, देन उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है।
सो फिलहाल यहाँ राफ्टिंग तो क्लोज है, तो आज के दिन हम लोग करने वाले हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर विद स्कूटी के साथ। तो स्कूटी हम लोगों ने यहाँ पर अभी रेंट पे ली है, तो हम लोग को 600 रुपये की स्कूटी जो पड़ती है वो मैंने 550 रुपये में करवाई है। हम तो पहले क्या था 500 रुपये में कर लो, तो 550 हुआ था, तो 550 में स्कूटी हो गई आज भर की। तो आज हम लोग ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सो राफ्टिंग क्लोज है क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश बहुत तेज है, गंगा का फ्लो हाई है। मुझे ऐसा लगा था कि राफ्टिंग आज बंद होगी, तो राफ्टिंग तो बंद हो गई। इसके बाद का प्लान, हम लोग आज ही की शाम को मसूरी निकलेंगे। मसूरी में मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं, खाना पीना रुकना कितने में हो जाएगा आप लोगों का। बाकी ये भी है कि वहाँ मसूरी में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने पूरा ऋषिकेश पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग फिर आए इस वजह से यहाँ पर क्यों है ना, ये भी तो एक कारण है। सो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ गाइस, यहाँ अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो अगर आप खाने पीने के लिए सोच रहे हो कि आपका खाना पीने में खर्चा कम हो, तो आपको मैं बजट वाला एक फ्रेंडली एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऋषिकेश के अंदर बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाते हैं जहाँ पर आलू के पराठे मिलते हैं, छोले कुलचे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि 10-10 रुपये 20-20 रुपये में है। आपका आराम से पेट भी भर जाएगा और आप 100 रुपये के अंदर आराम से खा लोगे। तो ये याद रखना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं, अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऋषिकेश के अंदर अच्छा खाना स्टॉल्स में मिल जाएगा जहाँ आप 100 रुपये के अंदर अपना पेट भर सकते हो और पूरे दिन आराम से फिर ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर सकते हो। जगह जगह पर आके स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स के खाने बहुत अच्छे हैं, आप स्टॉल में जाना वहाँ खाना, जिससे आपका खर्चा कम होगा और आपका जो ट्रिप कॉस्ट है वो कम लगेगी। लोग क्या करते हैं, आते हैं वो रेस्टोरेंट्स पे चले जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत महंगा होता है। भले ही चाहे जितना भी अच्छा हो, उससे अच्छा स्टॉल में जाके 100 रुपये के अंदर अपना पेट भर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जब भी ऋषिकेश आओ, अगर आप बजट में आ रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है स्टॉल्स में खाना खाना, ये ध्यान में रखना। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी से। तो हम लोग ने स्कूटी यहाँ पर ले ली है रेंट पे, तो 550 रुपये की हमें स्कूटी पड़ी है। इसमें सिक्योरिटी मनी जो लगता है 2000 रुपये 1000 रुपये लगता है स्कूटी का, सो वो आपको देना ही पड़ेगा। बाकायदा वीडियो वीडियो बनाना पड़ेगा, देख सकते हो ये रही हमारी स्कूटी, कंडीशन बहुत अच्छी है, ये देख सकते हो यूके का नंबर है। बाकी स्कूटी में कोई भी रेंट नहीं है फिलहाल अभी के तौर पे, दो शीशे लगे हुए हैं, दो हेलमेट कंपलसरी है यहाँ पर। अभी हम इसी से पूरा घूमने वाले हैं, सो चलते हैं लेट्स गो और आपको दिखाते हैं पूरा ऋषिकेश। पीछे का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ पर पीछे आपको राम झूला मिल जाएगा। तो आप यहाँ लोकेशन कवर कर सकते हो जब आप स्कूटी चला के आ रहे हो ऋषिकेश के अंदर। दो तीन जगह और भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जहाँ पर वाटरफॉल। गाइस ये रहा राम झूला, ये रहा राम झूला जो कि बिल्कुल वायर पे पूरा सटा हुआ है, हिलता है भाई बकायदा, ये पूरा प्रॉपर। भाई बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, कमाल का। मसूरी जाने को मन नहीं करता। नहीं हाँ, अभी हम लोग मसूरी का प्लान बना ही रहे हैं वैसे। मसूरी का मौसम इधर है। हाँ सही बात है, इससे अच्छा क्या रहेगा। भाई हिलता है यार, कितना ज़्यादा हिल रहा है। कुछ नहीं, मुझे आती है स्विमिंग है। भाई देख सकते हो बारिश हो रही है यहाँ पर कमाल की, और मौसम एकदम ठंडा हो गया है। आयुष के साथ भाई चलते हैं आगे, एंडिंग है वहाँ पर राम झूला की। इस समय हम यहाँ आ चुके हैं बीटल्स आश्रम। ये जगह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, मेरे अनुमान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग बहुत ऊपर ऊपर तक पहाड़ी हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और ये यहाँ से आपका टिकट काउंटर होगा जब आप आओगे ऋषिकेश के लिए। सो यहाँ पर आप लोग का जो टिकट का प्राइस है वो 100 रुपये 18 साल के लोगों के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर से ऋषिकेश के अंदर घूमने आ रहे हो तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर रखना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी का बेनिफिट ये है कि आपके 100 रुपये कम हो जाएंगे। स्टूडेंट आईडी में आप कॉलेज आईडी हो गया, कोई भी कॉलेज की आईडी हो वो आप लेके आओ, तो आपका बेनिफिट 100 रुपये का हो जाएगा। बाकी 200 रुपये अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 200 रुपये लगेंगे। तो यहाँ से आप लोग ऊपर जाओगे, ये रास्ता है पूरा,
ट्रैकिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। आयुष भाग रहा ऊपर की तरफ बड़ी तेजी से, देखो कैसे भाग रहा भाई। क्या बना हुआ है ये, ये देखो भाई कैसे कैसे वो बने हुए हैं, मैं दिखाता हूँ। वो भाई कितना पुराना है ये देखो, भूतिया हाउस को देखो। ये हालांकि भूतिया हाउस है नहीं, बट देखने में ऐसा लग रहा है सच में भूतिया हाउस है। सो इसके अंदर ग्राफिटी बनी हुई है। सो अभी हम अंदर चल के देखते हैं। ये देख सकते हो इसकी कंडीशन कितनी खराब हो रखी है। ये देखो भाई पूरा खाली है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, लोग यहाँ पर आते भी हैं, पता नहीं पर क्या नज़ारा है गाइस। हर जगह यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, खाली खाली पड़ा है। देखो ये घर भी खाली पड़ा है, ये आधा घर भी खाली पड़ा हुआ है, अरे आधे से ज्यादा घर खाली। यहाँ पर लोग आते हैं वॉक करने के लिए, चिल मारने के लिए, योगा करने के लिए। वही प्लेस है बस एक, काफी सही जगह है ये। हाँ जगह पर अच्छी है भाई, पीसफुल है, मतलब आराम से घूमो चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े हैं। लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 1960s का ईयर। दिस बिल्डिंग वॉज यूज फॉर ऑफिशियल गेस्ट स्टेइंग के लिए था ये। समय मैं हूँ शिवपुरी में, ऋषिकेश में, जहाँ पर बंजी जंपिंग होती है और यहाँ पर जाइंट स्विंग जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जो कि मैं उनके आपको प्राइस भी बताऊँगा। साथ में आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर आप शिवपुरी के रास्ते से सीधे आओगे, अभी देख सकते हो पूरा मेरा पूरा कपड़े जो है वो भीग चुके हैं, बट यहाँ पर आप ये वाला एक बार चेक कर लो। ये है बंजी जंपिंग का, और ये तो एक नॉर्मल है और ये भी एक बंजी जंपिंग का है। तो सीधे यहाँ से बंदा 140 फीट से नीचे कूदता है भाई। ये थोड़ा अलग है, ये भी दोनों है सेम ही है, बट ऊपर नीचे अंतर है। अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। सो भाई देख सकते हो ये है हमारा बंजी जंपिंग का स्पॉट, और ऊपर आप देख सकते हो ये देखो कितना ज़्यादा ऊंचा है। सो अगर सीधे वहाँ से कूदोगे तो बंदा यहाँ गिरेगा। सो ये समझ लो भाई, ये करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो अभी आगे चलते हैं, आगे मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, सारे प्राइजेस आपको बताऊँगा, मेंशन करूँगा, वो चीज़ें देखना। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, आप ये वाली देख सकते हो, ये बंजी जंपिंग वाली है। ये एक बंजी जंपिंग 140 फीट का, एक वो रहा बंजी जंपिंग 117 फीट का। तो बंजी जंपिंग तो यार मैं परफॉर्म नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को सच में भाई मेरी बहुत ज़्यादा टीम है बंजी जंपिंग से। सो अभी आगे देखते हैं आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया। सो जितनी भी ऋषिकेश में एक्टिविटीज़ हैं वो शिवपुरी में है, तो शिवपुरी पहले आपको आना पड़ेगा, शिवपुरी के बाद यहाँ पर आप लोग ईजिली जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कर सकते हो। भाई ये देख सकते हो तुम कितनी ज़्यादा यहाँ पर ऊंचाई है। सो अभी मैं तुम्हें इसकी ऊंचाई दिखाता हूँ, यहाँ से सीधे ऊपर देखो, वो बंदा वहाँ से सीधे यहाँ गिरने वाला है। सो भाई सोच लो कितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है भाई, मतलब इसके लिए सच में एक बहुत पेशेंस और एक बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए कूदने के लिए। ऐसा नहीं कोई कूद नहीं सकता, आपको धक्का दे दिया जाएगा आप तब भी कूद सकते हो, बट यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, देख सकते हो भाई। ये दो है, एक बंजी जंपिंग की ये है, एक बंजी जंपिंग की ये है, और इस साइड ये है हमारा जाइंट स्विंग।